हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरोड़। आज के वीडियो में देखने वाले एक और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो बैंगलोर में आया है, उसके बारे में हम यहां पे वीडियो लेके आए हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर सबके बारे में आपको पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं आगे और लेट्स प्ले द इंट्रो। ओवरव्यू के बारे में देखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम क्या है। इंस्टीट्यूट नेम है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपका कॉलेज बैंगलोर में आया, जैसे मैंने बताया लोकेशन आपका बैंगलोर एंड कर्नाटका है, और ऑल्सो नोन एज हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बीएमएससीई बैंगलोर। और इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो इंस्टीट्यूट टाइप आपका प्राइवेट है। अगर हम एनआरएफ रैंक देखते हैं इसका, एनआरएफ रैंक 2021 में 98 इनका एनआरएफ रैंक है। ओके, तो ये तो हो गया ओवरव्यू के बारे में। अभी हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में, आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलुरु 41 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है कॉलेज के, ठीक है। अगर आप रेलवे स्टेशन, मतलब अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, ट्रेन बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन आपका 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो ये तो हो गया आपके कनेक्टिविटी के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, देखते हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं थ्रू किया सीईटी और कॉमडेक। ये दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। किया सीईटी होता है स्टेट लेवल का एग्जाम, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, जिसको कर्नाटका के बच्चे ही दे सकते हैं और बाकी अदर स्टूडेंट का नहीं दे सकते। लेकिन कॉमडेक एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दे सकते हैं। आप कॉमडेक एग्जाम के थ्रू यहां पर एडमिशन ले सकते हो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि एडमिशन डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ किया सीईटी, जो जिनका काउंसलिंग किया सीईटी करवाता है, और जो कॉमडेक है कॉमडेक का काउंसलिंग कॉमडेक ही करवाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ब्रांचेस देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो को हमें ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ जो आपका ट्यूशन फी है पर ईयर का। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एडेड सेक्शन और अनएडेड सेक्शन। एडेड सेक्शन होता है गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट के फंडेड होते हैं उसको हम लोग एडेड सेक्शन बोलते हैं, उनका फीस कम होता है। और जो अनएडेड सेक्शन होता है वो प्राइवेट गवर्नमेंट आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ होता है, प्राइवेट होता है, तो इसका फीस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दो टाइप में आपको सीट देखने को मिलेगा, एडेड सेक्शन वाला और अनएडेड सेक्शन वाला। तो यहाँ पे आप देखो एडेड सेक्शन का पर ईयर ट्यूशन फी क्या है। तो यहाँ पे 19,090 रुपीज इनका पर ईयर फीस है ट्यूशन फी। अगर हम बात करेंगे अनएडेड सेक्शन का, तो अनएडेड सेक्शन का बढ़ गया है, उनका डबल हो गया है, 58,806 रुपीज, ठीक है। तो ये थे आपके किया सीईटी के थ्रू, जिसमें अनएडेड और अनएडेड, एडेड और अनएडेड है। ओके, अभी हम बात करेंगे कॉमडेक की शीट का क्या कितना फीस है ट्यूशन फी। तो 2,01,960 रुपीज कॉमडेक का फीस जो आप लगेगा, कॉमडेक के बाद अगर जाओगे कॉमडेक के थ्रू तो इतना आपको लगेगा। कॉलेज का फी देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉलेज का फी है 17,970 रुपीज। यूनिवर्सिटी का फीस है आपका, अगर आप कर्नाटका के कैंडिडेट हो तो आपको 7,720 रुपीज भरना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड कर्नाटका हो, मतलब अदर स्टेट से हो, तो आपको 9,220 रुपीज भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आपके फी स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ है, ये आपका किया सीईटी का कट ऑफ है स्टेट लेवल का। अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं और इसको देख रहे हैं तो आप कट ऑफ चेक करिए किया सीईटी का। यहाँ पे राउंड टू का कट ऑफ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, तो राउंड टू का कट ऑफ मैं डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। आप बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ यहाँ पे स्क्रीन पे दे सकते हैं। ये मैं अनएडेड का कट ऑफ बता रहा हूँ, एडेड का नहीं बता रहा हूँ, अनएडेड का बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया है 919, क्लोजिंग रैंक गया है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक क्या रहा है 919, ये राउंड टू का कट ऑफ है, ठीक है, एक्सटेंडेड का। अभी हम बात करेंगे एडेड, गवर्नमेंट एडेड की कट ऑफ के बारे में। तो गवर्नमेंट एडेड की कट ऑफ के बारे में, ये भी किया सीईटी का कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 18,404 क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो 10,276
क्लोजिंग रैंक रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कट ऑफ। वीडियो को स्टॉप करो और चेक करो। ओके, तो ये हो गए आपके एनेडेड और एडेड किया सीईटी के कट ऑफ। अभी हम बात करेंगे कॉमडेक के कट ऑफ के बारे में, जिसको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके दे सकते देने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉमडेक का मैं यहाँ पे फोर्थ राउंड का कट ऑफ डाला हूँ, यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस का मैं बता रहा हूँ, आप बाकी का स्टॉप करके चेक कर लीजिए बाकी ब्रांचेस का। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ गया है वो 494 इसका कट ऑफ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर लिए, ठीक है, बाकी सब का कट ऑफ। तो ये है आपके कॉमडेक फोर्थ राउंड का कट ऑफ, जो क्लोजिंग रैंक ओके। तो ये हो गए आपके कट ऑफ के बारे में। अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 46 लाख पर एनम, जो ऑफर किया था कोहेस सिटी ने, ठीक है, कोहेस सिटी ने। सो यहाँ पे अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज आपका 7 लाख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें प्लेसमेंट के थ्रू, तो आपका अच्छा कॉलेज है काफी। अगर आप टॉप वन के, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, अगर टॉप 1% में हो आप कॉलेज में, अगर आपने अच्छा कर रखा है, तो आप इजिली 12 से 13 से 15 लाख के बीच का पैकेज फोड़ सकते हो अपने कॉलेज में, अगर आपके टॉप 1% में हो तो, ठीक है। अगर वो प्राइवेट है कैसा भी है वो मैटर नहीं करता, अगर आप टॉप 1% में हो, एग्जैक्टली कंपनियां आती हैं तो आप फोड़ सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियां विजिट करती है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, IBM, TCS, जो भी, यहाँ सभी कंपनियां आती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से गुड है। और इसका हॉस्टल भी है, तो आप टेंशन मत लो, हॉस्टल वगैरह सब यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे आप हॉस्टल के बारे में नहीं बताया, हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर देना अभी दोस्तों के साथ। आगे और भी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो बैंगलोर में है, कर्नाटका बैंगलोर में है, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में और भी है बैंगलोर में, वो आते रहेंगे वीडियो। होप करूंगा आपको वीडियो पसंद आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।